योगा फॉर ओबिसिटी भी है और योगा फॉर साइंटिफिक एक्सरसाइज, योगा फॉर फिटनेस भी है। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है पूरा, लंबे लंबे श्वास, ये साइंटिफिक एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव इंक्लूसिव एक्सरसाइज है। तो नियमित व्यायाम न करने से मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस और तमाम तरह के शरीर में दर्दें, वात रोग, वात पित्त कफ का असंतुलन, सब बीमारियों का एक कारण ये भी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, करते रहो, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना है और करते करते लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अब बताओ, शरीर से श्रम कम करते हैं, यही सभी बीमारियों का मुख्य कारण है। तो श्रम करो और साइंटिफिक तरीके से करो, लंबे लंबे श्वास, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये भी लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। चलो अगला भी कर लो, फिर इसकी मात्रा बढ़ा दें। फिर अगला सुनो, लो इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी लो है तो कोई भी बीमारी घेर लेगी, कोरोना ही थपेड़े मारेगा। लोग सोच रहे थे कोरोना गया, फिर बोले रे ये तो फिर आ गया रे, और पहले से ज्यादा मजबूत हो के आए हैं महाराक्षस। लंबे लंबे श्वास, बोले तो पूरा ब्रह्म राक्षस हो के आया है। लंबे लंबे श्वास, कोरोना कितना ही मजबूत क्यों ना हो, सुन लो जरा आगे पीछे करते हुए, चक्की आसन, कोरोना का स्ट्रेन अवतार बोलते हैं, कोरोना का स्ट्रेन, बोले तो नया वाला स्ट्रेन आ गया, नया अवतार में आ गया। ये कोरोना की भी कई प्रजातियां हैं, बीपी की भी कई प्रजातियां हैं, एक जैसी दिखने वाली बीमारी के भी कई रंग रूप होते हैं। मनुष्य देखने में एक जैसा है लेकिन इसके भी तो भेद प्रभेद कितने हैं। बीपी की कई प्रजातियां हैं, शुगर की भी कई प्रजातियां हैं। कुछ बोलते हैं बाबा जी मुझे टाइप 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, मैंने कहा जो भी है तू योग कर ले, तेरी टाइप 1, 2, 3, 4 सब फुर्र हो जाएगी। गोल गोल कर ऐसे, बीपी की कई प्रजातियां, शुगर की कई प्रजातियां, थायराइड भी हाइपो हाइपर ही नहीं है ऐसे। ये अभ्यास, अब जैसे ये पश्चिमोत्तानासन है, सबसे ना हो पाएगा लेकिन करने वाले तो 10-20 से शुरू करके 100 बार तक इसको भी कर लेते हैं। तो ऐसे भजन के साथ, लगन के साथ सुनाओ भैया, भजन सुना दो। लंबे लंबे श्वास, ये योग का जो प्रोटोकॉल है, पहले अभी योगा फॉर ओबिसिटी चल रहा है। चलो उल्टे लेट जाओ, 12 अभ्यास पूरे कर लेते हैं, इन्हीं को दोहराते रहना मोटापा वाले भाई बहन। ये जो अभ्यास अभी बताए हैं इनको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 100, 200, 300, 500, 1000 बार तक करते रहना, मोटा आदमी देखने को ही नहीं मिलेगा। लंबे लंबे श्वास, बहुत अच्छे अभ्यास है। फिर योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ऑल ऐसे। और जो ये ना कर पाए तो 4 तरह का प्रोटोकॉल हम यहाँ फॉलो करते हैं ना, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, बस वो तो करते ही रहना है। ये करते करते पूरा रूपांतरण हो जाता है, करते रहो ऐसे। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम, सर्वरोगाणाम मूलम।
लंबे लंबे श्वास। धीरे धीरे या तेजी से जिससे जितना बन पाए अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर लेना यथाशक्ति। दोनों हथौड़े के नीचे रखें, करु वंदना में तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना में तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना में तेरी जग के रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ऐसे 50-100 बार जितना बन पाए कर लेना, फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ सलभासन, भगवान की वंदना करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए, योग की साधना को ऐसे आगे बढ़ाते हैं। पट घट के खोल दीनी हो गुरु ज्ञान हमको देकर, पट घट के खोल दीन है गुरु ज्ञान हमको देकर, कर ध्यान हम तुम्हारा, कर ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेट करके भी तीन अभ्यास जिससे जितना बन पाए, एक एक पैर से या दोनों से, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते रहिए सब। सृष्टि सुघर सजीली रची है ये कैसी तूने, सृष्टि सुघर सजीली रची है ये कैसी तूने, सारे पदार्थ जग में, सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले, करु वंदना मैं तेरी
जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। जो दोनों पैरों से कर सकते हैं वो दोनों से करे, जो दोनों से नहीं कर सकते एक एक से करे, करते रहे लंबे लंबे श्वासों के साथ। पादवृत्तासन भी ऐसे, एक एक पैर से दोनों से। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, पर कुछ नहीं है चिंता, पर कुछ नहीं है चिंता, जब हो पार लगाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। साइकिलिंग भी ऐसे ही करो, दोनों पैरों से है एक एक से। दिया ज्ञान नेत्र तूने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति, दिया ज्ञान नेत्र तूने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति, श्री संत रूप में हो, श्री संत रूप में हो, ओ मेरे पालनहारे, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम को हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, जग के रचाने वाले, ओ जग के रचाने वाले। ये सारे के सारे अभ्यास निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह भगवान की
आराधना की तरह अपनी साधना को करना।